पाकिस्तान के बीच सटा जिला बाड़मेर, जहां पिछले काफी लंबे समय से रहने के बाद भी मुझे यहां पर जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो बेहद ही कम देखने को मिले। ऐसे में आज गुरुपुरब के दिन मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि क्या यहां बाड़मेर में लोग गुरुपुरब मनाते हैं या गुरुपुरब पर्व को जानते भी हैं। तो ऐसे में पूछने पर पता चला कि बाड़मेर के रेलवे स्टेशन के सामने एक गुरुद्वारा है। ये बाड़मेर शहर का एकमात्र गुरुद्वारा है जो काफ़ी लंबे समय से बताया गया कि सिंधी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इस गुरुद्वारे की जो है यहाँ सेवा करते हैं, और यहाँ पर जो रख रखाव है वो सिंधी कम्युनिटी के जो लोग बाड़मेर के हैं वो करते हैं यहाँ इस गुरुद्वारे का रख रखाव। ऐसे में मैं इस गुरुद्वारे में आया और मैंने सोचा कि बाड़मेर के शहर के इस एकमात्र गुरुद्वारे का जो दृश्य है वह मैं आपको दिखाऊँ। तो इस वक्त हम चलते हैं बाड़मेर के जो गुरुद्वारा है इसके अंदर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि बाड़मेर में अन्य जगहों से लोग यहाँ पर आए हैं, और जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनका वहाँ पर माथा टेक आशीर्वाद ले रहे हैं, और लोग यहाँ पर अपनी अपनी प्रार्थनाएं यहाँ पर लोग कर रहे हैं, और इसी के साथ यहाँ पर लंगर व्यवस्था भी की गई है। गुरुपुरब गुरु नानक देव महाराज जी का जन्मदिन है। गुरु नानक देव महाराज जी का जन्म तिलवंडी शहर में हुआ था। वहाँ राय बुलार ने उनको पहचाना और उनकी बेबे नानकी उन्होंने उसको पहचाना। बाकी भाई कालू ने अपना बेटा समझा, माता तृप्ता ने भी अपना बेटा ही समझा, इसलिए वो जगत को तारण के लिए आए थे। करतार ने भेजा था तो जाके जगत जलंदा है उसमें जाके लोगों को तारो, क्योंकि लोग भटक रहे हैं अपनी मुक्ति के लिए, इसलिए सबको ज्ञान देकर सबको भव सागर से पार करना। इसलिए बाबे नानक देव महाराज जी ने अपने सारे संसार में यात्रा करके और सबको तारा, सबको दुख दूर किए, सबके हर एक की मनोकामना पूरी की। कोडे राक्षस को उसको भी ज्ञान दिया। भाई मर्दाना जो उनके साथ रहते थे हमेशा, उनको भी उन्होंने मुक्ति दी और उनको साथ रखा। इस गुरुद्वारे के बारे में आइए जानते हैं पूरी जानकारी। यहाँ पे जो अध्यक्ष है हमारे साथ इस गुरुद्वारे के, प्रकाश जी कोतवानी। सर, यहाँ पर जरा बताइए कि ये गुरुद्वारा कब से बाड़मेर में है और क्या कितने लोग यहाँ आते हैं दिन भर? ये गुरुद्वारा करीब 1965 के आसपास इसका निर्माण हुआ था, और इसकी समिति हमारे सिंधी समाज के द्वारा संचालित होती है, और इसमें हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे गुरु नानक के बहुत अनुयायी थे, और 65 के युद्ध में यहाँ पर श्री दुग्गल जी ठेकेदार थे जिन्होंने हमारे निर्माण कार्य में बहुत ही सहायता की, और ये हर वर्ष हम इसको गुरु पर्व को बड़े उत्साह उल्लास से मनाते हैं। बाड़मेर शहर में गुरुद्वारे और भी हैं कि यहाँ ये एकमात्र गुरुद्वारा है? यहाँ एकमात्र गुरुद्वारा, सिटी में एकमात्र गुरुद्वारा है। और इस गुरुद्वारे में देखा जाए तो यहाँ पर जो आप सभी लोग हैं वो सिंधी कम्युनिटी के या किसी कम्युनिटी के लोग भी हैं? 36 कम्युनिटी हैं, हम सबको आमंत्रित करते हैं और सबको यहाँ पर आम लंगर होता है, अटूट लंगर होता है, तो सबको व्यवस्था होती है। अच्छा, देखा जाए तो बाड़मेर में जो सिख कम्युनिटी की जो तादाद है वो बेहद ही कम है, तो ऐसे में इस गुरुद्वारे को जो देख रेख है इसका करना या पूजा पाठ करना ये सब कौन करता है यहाँ? हम सिंधी लोग इसको शुरू से ही मानते आए हैं, हम सिंध से आए हैं, वहाँ पर गुरु नानक जी का जन्म सिंध में हुआ था, वहाँ से ही हम इनके अनुयायी हैं। हम सिंधियों में इसकी बहुत ही मान्यता है और हम ही खुद लोग इसकी व्यवस्था और मंदिर की देखरेख करते हैं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि सभी यहाँ पर जो धर्मों के लोग हैं वो यहाँ खाना बना रहे हैं, कोई खाना बांट रहा है, कोई अरदास कर रहा है, तो यहाँ पर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सबकी आस्था का विषय है, और सब लोग श्री गुरु नानक जी को मानते हैं, उसमें बहुत ही विश्वास है और लोग की मान्यताएँ पूरी होती है वो, और हमारे ये धर्म के बड़े आदर्श रहे हैं। हिंदू धर्म को बचाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी है। तो यहाँ सचिव भी इनसे ही बात करते जी, क्या कहना चाहेंगे? गुरु नानक देव जी का जो 554वां प्रकाशोत्सव पर्व है आज सिंधी समाज बाड़मेर द्वारा गुरुद्वारा साहिब में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है।
हमारे राम प्रकाश कोटवानी गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष एवं हमारी बहन कविता बादलानी की देखरेख में 21 नवंबर से साप्ताहिक पाठ का आयोजन किया गया है। आज सुबह से साप्ताहिक पाठ का भोग अरदास भजन कीर्तन एवं दोपहर में अटूट लंगर का आयोजन किया गया है। जैसा कि सभी को विदित है, गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के संस्थापक सदस्य होने के साथ साथ सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु भी रहे हैं। न केवल एक गुरु बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में इन्होंने समाज को हमेशा जाति पाति से परे, समाज को एक सूत्र में, एक एकता के सूत्र में परे रखने का संदेश दिया है। उसी कड़ी में हमारा सिंधी समाज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास से गुरु नानक जी का 554वां प्रकाशोत्सव पर्व गुरु पर्व यहाँ मना रहा है, जिसमें 36 कौम के सदस्य नागरिक आकर हाथ प्रसादी लंगर प्रसादी ग्रहण करते हैं। एवं गुरु जी से यही प्रार्थना है कि हमारे सिंधी समाज एवं हमारे गुरुद्वारा समिति को शक्ति दे, इसी तरह हम गुरु जी की बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ते रहें एवं यूं ही भंडारे, यूं ही उनकी शिक्षा का हम लाभान्वित ले लगें और लोगों को भी इससे लाभान्वित करें। जिस तरह आज गुरुपूर्व के दिन यहाँ पर लंगर का आयोजन किया गया, और कौन कौन से जो पर्व है यहाँ गुरुद्वारे मनाए जाते हैं? यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती भी मनाई जाती है, शहीदी दिवस भी मनाया जाता है, और गुरु जैसे आज गुरु नानक दिन जयंती हो गई, इसके 6 दिन तक बाकायदा हर फंक्शन होता है, जिसमें हमारे सिंधी समाज की महिलाएं सुबह भजन कीर्तन एवं शाम को भजन कीर्तन करती है। मनीष है मेरा नाम और मैं समिति से जुड़ा हुआ सदस्य ही हूँ। यहाँ पे गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के साथ साथ ही 10 गुरुओं का जो जन्म दिवस और पुण्यतिथि शहीदी दिवस आता है, तब प्रसाद होती है। गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें गुरु थे, उनका भी जन्म जयंती उत्सव इसी प्रकार मनाया जाता है, धूमधाम से अटूट लंगर होता है, सुबह नित नेम होती है, अरदास होती है, आरती होती है, और पूरे और बैसाखी का पर्व भी मनाया जाता है। गुरु पर्व जितने भी आते हैं सब मनाए जाते हैं गुरुद्वारे में। आज कितनी भीड़ है यहाँ गुरुद्वारे में? आज भीड़, मेरा नाम घनश्याम दास लालवानी, आज भीड़ होगी समय 500 से लोग ऊपर होंगे। आज कोई पूर्णिमा है, पूर्णिमा की वजह से काफ़ी भीड़ रहती है, और सेवा करने मैं हूँ सेवाधारी, यहाँ मैं सेवा करता हूँ, सेवा करने बहुत अच्छा लगता है मेरे खुद को। सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, और कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? अभी यार उत्तरलई से आ रहे हैं, जाली पास से, जसाई से, सब सरदार और टोटल बाड़मेर, नेहरू नगर, मावी नगर, राय कॉलोनी, जो भी बाड़मेर के सब आ रहे हैं। जी तो ये था बाड़मेर का एकमात्र गुरुद्वारा, जहाँ बेशक इस शहर में सिख कम्युनिटी की पॉपुलेशन कम हो, मगर उसके बाद भी सभी धर्मों के लोग मिलकर यहाँ पर आज गुरुपुरब जैसे पवित्र पर्व को मना रहे हैं। आप देख रहे हैं DCN लाइव बाड़मेर, कैमरामैन राजेंद्र के साथ संवाददाता मनोज पांडे।